ये थोड़ा सा फीड है दोस्तों हमारा चूजा के लिए। आ जाओ इस तरफ, देखिए सभी कितना चिल्ला रहे। आ जाओ इस तरफ, आ जाओ और यो खा लो यार। डक्स ना आ गया, हटो हटो यार, खाओ खाओ हटो हटो। ये सभी दोस्तों मजे के साथ खा रहे। अरे अरे यार देखिए, तुम भी हटो यहाँ से, इनको खाने दो। खाओ 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 खाओ। यार जोर जोर से बाइट करते हैं, मुर्गी भी आ गया। खाओ खाओ खाओ। और ये सभी डर रहे, लेकिन ये चूजा दोस्तों बिल्कुल नहीं डरते हैं। हाँ खा लो ओरियो। गुड, खाओ 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 खाओ। जब खिलाना चाहता हूँ तब नहीं खाते हैं क्या यार। इस तरह खिलाने से दोस्तों मजा आता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर पेट्स ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। ये है हमारा बर्थडे डकलिंग्स के लिए, इनको ना बाहर निकाला गया है। अरे अरे डरो मत, आ जाओ खाना खा लो। हाँ देखिए सभी कितना बड़ा हो गया है ना, और शौक से फीड खा रहे हैं। खाओ खाओ खाओ, जल्दी खाओ, चूजा आ जाएगा। ये तो आ गया ऑलरेडी, इसको खाने देते हैं। थोड़ा उस तरफ देना होगा, ये लोग भी मुझसे डरते हैं। जल्दी खाओ जल्दी खाओ। पेरेंट दोस्तों अभी तक नहीं आया, तो पता नहीं क्या होगा। चलिए हमारा छोटा सा फार्म के अंदर जाते हैं और सभी पेट्स का हालत देखते हैं, ठीक है? सभी तो ठीक ठाक हैं। बटर ने अंडे दिए या नहीं? वो देखिए एक अंडे दिए है, दिख रहा है ना? तो उसको निकालना होगा और इनको खाने के लिए भी देना होगा। यहाँ पर हमारा रानी दोस्तों अंडे को हैचिंग कर रही है, लेकिन मुझे एक चीज देखना है। इसके अंदर जो अंडे रखा था ना, उनमें से सुना निकाल सकते हैं? कुछ नहीं करूंगा, डरो मत। अभी तक दोस्तों अंडे ना क्रैक नहीं हुआ है, तो बहुत ही जल्दी दोस्तों रिसेंटली जो मैं अंडे ऐड किया ना, उन अंडे से सुना निकलेगा। उस अंडे को बाहर निकालता हूँ यार, वहां तक मेरा हाथ ही नहीं जाते है, क्या होगा? शिट यार। अरे अरे डरो मत। अंडे को निकाल लिया दोस्तों, ये देखिए मेरे हाथ में है। और एक अंडे रात के समय मिलेगा। हमारा जो गोश्त और घी है दोस्तों, उनको चलिए फार्म के अंदर बंद करके रखा गया है। काफी आवाज करते हैं दोस्तों, देखिए तीन को यहाँ पर रखा गया है और वहाँ पर है दोस्तों हमारा मजनू, सभी को बाइट करते है। और एक तो दोस्तों यहाँ पर ही है और दिख नहीं रहा है, तो इनको ना रिलीज करना होगा। आ जा निकलो बाहर निकलो, यहाँ पर खाने के लिए दिया गया था। आ जाओ सभी, आ जाओ बाहर निकलो। इसको भी निकालता हूँ, आ जाओ। वो देखिए वो वहां पर है, आ जाओ बाहर निकलो। सभी दोस्तों आ रहे, इनको क्या हुआ? आ जाओ बाहर आ जाओ। आवाज लगा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे, क्या यार। हटो, अब आ जाओ बाहर। यार आ जाओ। धीरे धीरे आ रहे, गुड, तुम दोनों आ जाओ। क्या यार काफी समय से आवाज कर रहे लेकिन बाहर नहीं आ रहे, तो आ जाएगा है ना। यहाँ पर दोस्तों हम मिनी जू बनाएंगे, 10 पोस्ट बनाना होगा। उनमें से दोस्तों 8 कंप्लीट हो गया है और जो बाकी है वो भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों मिनी जू का जो काम है ना, मेन जो काम है वो शुरू होगा। ये दोस्तों वहां पर है, पता नहीं क्या खाने के लिए गया था। आ गया मेरा शेरनी है ना, अरे गोद में आ गया। देखिए ये है हमारा शेरनी, कितना खूबसूरत है हमारा ओरियो, है ना ओरियो। और काफी बड़ा भी हो गया है दोस्तों, यहाँ पर रख के दिखाता हूँ, देखिए कितना बड़ा हो गया है हमारा ओरियो, है ना ओरियो। जब मैं घर पर लाया था ना तो अब इतना सा था यार, अब देखिए कितना बड़ा हो गया है ओरियो ओरियो। अब चलिए बज्जिस के बच्चे को भी देख लेते हैं। और मैं खाने के लिए दिया था टकलिंग्स को, और यहाँ पर आके देख रहा हूँ, देखिए ये सुजा खा रहे, इतना खाते हैं फिर भी दोस्तों इनका पेट नहीं भरते हैं। इसको यहाँ पर कौन रखा?
सभी दोस्तों चिल्ला रहे हैं, यानी कि इनको भूख लगा है और खाना यहाँ पर नहीं है। वो देखिए, बिल्कुल सही यार, अभी तक किसी ने खाना नहीं डाला, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। वाइट 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 बाहर मत निकलो, ज्यादा भूख लगते हैं क्योंकि ये ना अपने फीमेल को खिलाती है, उसको दोस्तों फीमेल अपने बच्चे को खिलाती है। तो चलिए फटाफट खाने पीने देते हैं, इतना काफी है। अंदर अंदर जे खा लो, पानी को मैं थोड़ा दूर रखता हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये ना पानी के अंदर भिगो के खाते हैं सभी, खाओ खाओ खाओ। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे एक्चुअली सपोर्ट किया था कि यहाँ से एक बच्चे को टेम्प्ट करना है, तो आज मैं दोस्तों यहाँ से एक बच्चे को निकालने वाला हूँ। जो बड़ा सा बच्चा है ना, इसको ही निकालूंगा मैं, उस बच्चे को टेम्प्ट करूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं, बहुत ही क्यूट सा बच्चे है दोस्तों। उस बच्चे को आप लोग हमारे घर का न्यू फैमिली मेंबर कह सकते हैं। अब बट का जो फीड है ना, वो ऑलरेडी है, देने की जरूरत नहीं है। वाटर भी है यहाँ पर दोस्तों, फिंस का फीड भी है, वाटर मुझे सेंस करके देना होगा। यहाँ पर भी फीड है, वाटर भी है। इनको मैं ब्रीडिंग बॉक्स अभी तक नहीं दिया, एक्चुअली याद ही नहीं रहता है, तो बहुत ज़्यादा दोस्तों ये काम भी करूँगा। और मैं भी दोस्तों, ये जो फीमेल फिंस है ना, ये बहुत ही जल्दी अंडे देगी। उस बच्चे के लिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सा घोंसला बनाया। यहाँ पर देखिए, इतना खूबसूरत सा घर है ना। तो चलिए फटाफट उस बच्चे को ना यहाँ पर रखते हैं। तो आइए मेरे साथ, मैं उस बच्चे की मम्मी को बता रहा हूँ दोस्तों, बुरा मत मानना, ओके। बाहर निकलो, बाहर निकलो, निकलना भी काफी मुश्किल है यार, साथ नहीं जाते अंदर, अब क्या होगा। बाहर निकलो, बाहर निकलो। मुझे भी बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते, यहाँ से कोई अटेम्प्ट करना ही है। ये निकाल लिया, देखिए कितना क्यूट सा बेबी है ना। चलो यहाँ पर रहो, इसको दोस्तों हैंड फीडिंग करवाना होगा। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं, बहुत ही क्यूट है दोस्तों। चलिए फ्लोरा को कैसे निकाल देते हैं, आ जाओ और इसको खाने के लिए भी देना होगा। फ्लोरिया फ्लोरिया, अरे पेट तो फुला है, मतलब कुछ देर पहले इसने खाना खाया है, तो अभी मुझे खिलाने की जरूरत नहीं है, है ना फ्लोरिया। वो देखिए खेलना शुरू हो गया दोनों की, दिख रहे ना। नहीं नहीं नहीं, बाइट मत करो फ्लोरिया, नो 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 नो। वहाँ पर दोस्तों हमारा मीठू बैठा है, सभी देख रहे हैं दोनों का लड़ाई। फ्लोरिया और बाइट करते, नहीं 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 नहीं, और इसको यहाँ से हटाना होगा। चलो चलो फ्लोरिया फ्लोरिया फ्लोरिया, हाँ इसको भी दोस्तों इसके साथ खेलने का मन है ना। देखिए देखिए कैसा कर रहे हैं दोनों। हमारा सभी सुसा की हालत दोस्तों बहुत ही खराब है, क्योंकि करंट अभी तक नहीं आया, तो मैं बहुत ही टेंशन में हूँ। और फिश का हालत दोस्तों बहुत ही बुरा है, पता नहीं क्या होगा। देखिए, नहीं 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 नहीं, बाहर मत आओ, बाहर मत आओ। और ये जो डकलिंग्स है ना, ये सभी दोस्तों बिल्कुल हेल्दी है, ठीक ठाक है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। लेकिन टर्की और जो मस्कुबी डक्स की सुजा है ना, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहे है। सुबह दोस्तों दो मरा हुआ मिला। और यहाँ पर हमारा दोनों मुर्गी अंडे हैचिंग कर रही है। देखिए ये तो मैं एक्चुअली दो दिन हुआ है अंडों पर बिठाया। चलिए खरगोशों को ये जो तरबूज का स्किन है ना, ये खिलाते हैं, ये ले लो, हाँ खाओ खाओ। यार यहाँ पर देखिए फ्लोरिया है ना, इन व्हाइट रेड को पकड़ने के लिए यहाँ पर घूम रहे, और सभी व्हाइट रेड काफ़ी डर रहे हैं यार। फटाफट दोस्तों इसको क्लोज कर देता हूँ, और फ्लोरिया को यहाँ से निकालना होगा। चलो चलो तुम ना बाहर रहो, ठीक है, यहाँ पर मत आना। चलो व्हाइट रेड को खाने के लिए कैबेज दिया गया था, ये भी खाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाओ। वहाँ पर नीचे जाओ यार,
इसको क्लोज कर दिया और बाकी जो है ना इस रूम के अंदर देना होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हैं, अब सभी को पता है ना। आ जाओ आ जाओ। यार एक भी बाहर नहीं निकल रहा क्योंकि हमारा फ्रेंड्स ना सभी डर गया। जिस बच्चे को मैं अलग किया उस बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हाँ, जिस लोगों ने एक ही नाम ज्यादा बताएगा उस नाम को दोस्तों मैं सेलेक्ट करूंगा। वादे दोस्तों यही था इसका हमारा छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद करता हूं सभी को पसंद है। पसंद है तो ब्लॉग को लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करना। मिलता हुआ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहे। बाय बाय।